अस्सलाम वालेकुम, आप सब कैसे हैं स्टूडेंट्स? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अपनी छुट्टियाँ एंजॉय कर रहे होंगे, पढ़ाइयों पे भी फोकस कर रहे होंगे, अपने होमवर्क्स टाइम पे सबमिट कर रहे होंगे। टीचर्स आपको कॉल करती हैं एंड आई एम श्योर कि आप लोग अपने होमवर्क्स टाइम पे सबमिट करा के टीचर्स को भी हैप्पी कर देते होंगे। वेरी गुड। नाउ प्लीज़ टेक आउट योर बुक्स एंड कॉपीज़। आज हम लोग क्या पढ़ने आए हैं? आज हम लोग मैथ्स पढ़ने आए हैं। और मैथ्स का कौन सा पेज नंबर निकालना है हमें? मैथ्स का पेज नंबर 63 निकालना है। अब अगर आप लोगों को याद हो, लास्ट टाइम हम लोगों ने क्या पढ़ा था? लास्ट टाइम वी स्टडीड अबाउट 5 times table। हमने 5 times table के बारे में पढ़ा था। और उसके बारे में क्या पढ़ा था? हमने मल्टीप्लीकेशन सीखी थी, मल्टीप्लीकेशन विद द हेल्प ऑफ टेबल्स। वेरी गुड। अब तक हम लोगों ने 5 times table तक सीख लिया है मल्टीप्लाई करना। डू यू रिमेंबर? येस, आई नो यू रिमेंबर एवरीथिंग। हम लोगों ने वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व किए थे। आई गेव यू होमवर्क, लास्ट वर्ड प्रॉब्लम विच वॉज क्वेश्चन नंबर 3 टू सॉल्व एट होम। एंड आई एम श्योर आप सब ने सबमिट करा दिया होगा होमवर्क टाइम पे। नाउ इट्स टाइम टू मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज विच इज फार मल्टीप्लीकेशन। अब फार मल्टीप्लीकेशन मिस क्या है? फार मल्टीप्लीकेशन एक और न्यू टॉपिक है विच इज़ ऑन पेज नंबर 63 इन योर बुक्स। अब हमें क्या करना है? इट इज़ अ न्यू वे टू मेक पीपल, टू मेक चिल्ड्रन लर्न अबाउट मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन को हम लोग डिफरेंट डिफरेंट तरीके से प्रैक्टिस करेंगे ताकि हमें समझ आ जाए किस तरीके से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? वेरी गुड। अब आप लोगों ने अपनी बुक्स निकालनी होंगी पेज नंबर 63। नाउ लेट्स स्टार्ट रीडिंग, कि हमें पता तो लगे फार मल्टीप्लीकेशन में हमें करना क्या है। वेरी गुड। नाउ प्लीज टेक आउट योर बुक्स एंड लेट्स स्टार्ट रीडिंग विद मी। हैव यू बीन टू अ फार्म? हेयर आर टू हॉर्सेस। कैन यू काउंट हाउ मैनी आईज, लेग्स एंड टेल्स दे हैव ऑल टूगेदर? रीड वंस अगेन। Have you been to a farm? क्या आप में से कोई बच्चे फार्म गए हैं? Yes, I know you have been to a farm. Here are two horses. यहाँ पे आप देख सकते हैं प्यारे बच्चों के there are two horses. कितने horses हैं वहाँ? 2 horses हैं। और उन horses की कितनी eyes हैं, कितनी legs हैं, कितनी tails हैं? हमें इसका answer देना है। We have to find out that how many eyes, how many legs and how many tails these 2 horses have. In horses ke paas kitne eyes hain, kitni tails hain aur kitne legs hain? It's very easy, right? It's very easy to know. To hame kaise pata chalega? Ab aaiye questions dekhne taki hame pata lage hum log to solve kar sakte hain. Ye to bahut aasan hai, hai na? Let's move to the other point. अब आप देख सकते हैं हॉर्सेस की आंखें कितनी हैं। एक हॉर्स है, इट हैज़ 2 eyes एंड द अदर हॉर्स हैज़ 2 eyes एज वेल। दे बोथ हैव 1 tail एंड 1 tail, 2 tails ऑल टुगेदर। दोनों के पास कितनी टेल्स हैं? 2 tails, 1 tails। एंड हाउ मेनी लेग्स दे हैव ऑल टुगेदर? अब आप लोग सोचेंगे कि इनको काउंट कैसे करना है। एक हॉर्स के पास 4 legs हैं एंड द अदर हॉर्स हैज़ 4 legs एज वेल। दोनों के पास कितनी कितनी लेग्स हैं? 4 each। तो आपको याद हो हम लोगों ने मल्टीप्लीकेशन सीखी थी। और अगर आपको ना भी याद आए तो हाउ कैन यू नो इट? आप लोग क्या कर सकते हैं कि प्रीवियस वीडियोस को फिर से गो थ्रू कर सकते हैं, इंट्रोडक्शन की वीडियोस को फिर से चेक कर सकते हैं मल्टीप्लीकेशन। और फिर भी अगर मल्टीप्लीकेशन का कॉन्सेप्ट समझ ना आए तो यू कैन स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। टेबल 2 times table, 3 times table, 4 times table, 5 times table। एंड आई एम श्योर आफ्टर गोइंग थ्रू दैट वीडियोस आप लोगों को समझ आ जाएगा व्हाट इज़ द मेन थिंग बिहाइंड द मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन के पीछे मेन कॉन्सेप्ट क्या है? एंड इट्स वेरी ईजी एंड यू गाइज आर वेरी स्मार्ट एज वेल। आप लोग भी बहुत इंटेलिजेंट हैं। तो हमें कैसे पता चलेगा? देर आर 2 horses, हॉर्सेस के नीचे देख सकते हैं आप, मल्टीप्लाई बाय 2 eyes। अब हमें पहले बताना है कि ऑल टुगेदर आइज कितनी हैं। तो जब हम लोग 2 horses को मल्टीप्लाई करेंगे 2 eyes से तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा?
Four eyes. Very good. Altogether, how many eyes these both horses have? Four eyes. Very good. Now let's move to the other point. Two horses multiply by four legs. अब हमें बताना है कि total legs कितनी है दोनों की. तो हम कैसे बताएंगे? हम देखेंगे कि भाई एक horse के पास four legs हैं, दूसरे horse के पास भी four legs हैं. And how many horses they are? There are two horses. So when we are going to multiply two times four, that will give us the answer कि कितनी legs total हैं. तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 को 4 से, 2 टाइम्स 4 गिव्स अस 8. तो हाउ मेनी लेग्स दीज बोथ हॉर्सेज हैव? दीज बोथ हॉर्सेज हैव 8 लेग्स. वेरी गुड. और लास्ट पार्ट जो है वो आप लोगों ने अपना होमवर्क में करना है, घर पे सॉल्व करना है. इसको समझने के बाद टीचर्स आपको कॉल करेंगी और आपसे पूछेंगी कि हैव यू डन योर होमवर्क. तो आई एम श्योर आप लोग अपना होमवर्क टाइम पे टीचर को सबमिट करा देंगे. It's only one part and it's very easy. I'm sure आप लोगों को ये टॉपिक अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा. और अगर फिर भी समझ ना आए तो you can go through other videos as well and it's very easy to understand. Okay? I'm sure आप लोग अपना questions time पे submit करा देंगे. मिलते हैं next class में with another video. Till then, assalamu alaikum, al-hafiz.